प्रिय भैया, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये सब चीजें आप और भी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं आपको ये चीज एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि क्लासेस में कई बार इस तरह के प्रश्न हमने आपसे कई बार पूछा, लेकिन अधिकतर भैया लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार हम रिमाइंड करते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, इसके बारे में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इन इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में हमें डेफिनेशन भी आना चाहिए कि हम लोगों को बता सके। तो अगर कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। एकदम बेसिक्स, आप सिर्फ एक वर्ड जानिए एंड यू कैन मेक डेफिनेशन बाय योर ओन, आप आराम से अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज। हिंदी क्या है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है या हिंदी एक भाषा है। अगर कोई पूछ ले कि लैंग्वेज क्या है फिर, तो भाषा है फिर क्या, तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक भाषा होता है जो हम उस भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं या अपना भावना प्रकट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग ग्रामर, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रामर, तो फिर अगर सिक्स या सेवन भैया के लिए कहा जाए कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन, सबसे सिंपल वे आप इसको समझिए, जो टफ ना हो आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो। तो ग्रामर भी क्या है, एक तरह से एक सब्जेक्ट है। फिर सिखाता क्या है, ये दो चीज सिखाता है, क्या क्या सिखाता है, हाउ टू रीड एंड राइट। एक ग्रामर भी एक सब्जेक्ट है, सिखाता क्या है, हाउ टू लर्न रीड, आई मीन रीड एंड राइट, लर्न यहां पर एक रीड एंड राइट हो सकता है। क्या चीज, इंग्लिश इन करेक्ट फॉर्म। तो डेफिनेशन ये करें, ग्रामर इज साइंस या ग्रामर इज सब्जेक्ट दैट टीचेस अस हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन करेक्ट फॉर्म। अब फिर आते हैं कि लेटर्स क्या है, या हम कह सकते हैं यहां पे व्हाट इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ 26 लेटर यूज टू राइट इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। ये 26 लेटर्स होते हैं जो हम लिखते हैं, उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं। फिर आते हैं लेटर्स पे, आप सभी को पता होगा कि लेटर्स है क्या, और ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड कैपिटल लेटर, सेकेंड इज कॉल्ड स्मॉल लेटर। आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज कैपिटल लेटर, जो लेटर हम लार्ज फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर, और जो लेटर को हम स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं उसको कहते हैं स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल को जैसे ए बी सी, और इस तरह से ए बी एंड सी। आगे आपको ये जानना बहुत जरूरी है, यूसेस ऑफ कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर कहां कहां यूज करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, कोटेशन पे, वर्ब पे, वर्सेस पे।
इस चीज के बारे में जब हम आपको पंचुएशन पढ़ाएंगे तो वहां यूसेस ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में अच्छे से बता देंगे। फिर हम आते हैं वर्ड्स। वर्ड्स है क्या? क्योंकि लेटर से ही वर्ड्स बनेंगे, तो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सिंगल लेटर और एक ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव कंप्लीट सेंस। क्योंकि जब मीनिंग आता है कोई भी हो, ये चाहे सिंपल एक सिंगल लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो, जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिले उसे हम वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहां पे हम कह देंगे स्मॉल। स्मॉल भी क्या है? इसमें एक ग्रुप ऑफ लेटर है और स्मॉल का एक सेंस आ रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड्स कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग वो चीज है जो लेटर के माध्यम से प्रॉपर वे उसके मीनिंग आते हैं, उसे हम स्पेलिंग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वॉवल्स, सेमी वॉवल्स, कॉन्सोनेंट एंड सिलेबल्स। व्हाट इज अ वॉवल? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछते हैं वॉवल्स के, तो सिर्फ आप कहते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसा नहीं है। आप अपने आप, वॉवल्स आर द लेटर्स, वो पांच लेटर्स है जो इंडिपेंडेंट है, उनके साउंड अपने आप इंडिपेंडेंटली है। तो सिर्फ आप वॉवल्स आर द लेटर दैट कैन बी साउंड इंडिपेंडेंटली। तो यहां पे भी सिर्फ आप एक वर्ड जानेंगे तभी भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि वॉवल्स वो लेटर होते हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंट है, अपने आप ही निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। और ये पांच होते ए ई आई ओ एन यू। फिर हम बात करते हैं सेमी वॉवल्स के, क्योंकि सेमी वॉवल्स वो वॉवल्स होते हैं कि वो कभी कभी वॉवल्स की तरह और कभी कभी नॉन वॉवल्स की तरह भी साउंड करते हैं। ये दो होते हैं डब्ल्यू एन वाई। डेफिनेशन मीन्स सेमी वॉवल्स आर दोज वॉवल दैट कैन बी साउंड with the help of some vowels or none, semi vowels only. फिर आते हैं consonant। आपको पता ही होगा कि consonant कितने हैं। अगर हम कह रहे थे यहाँ पे 26 लेटर है, 26 लेटर में से 5 यहाँ, 2 यहाँ, तो बचा कितना? 19। तो consonant कितने हुए? 19 लेटर। और consonant की definition आप कैसे याद करेंगे? Consonants वो लेटर होते हैं जो साउंड आएंगे विद द हेल्प ऑफ सम वॉवल्स और सेमी वॉवल्स ओनली। दैट मीन कंसोनेंट आर द लेटर दैट कैन बी साउंड विद द हेल्प ऑफ सम वॉवल्स और सेमी वॉवल्स ओनली। अब ये आता है यहाँ पे सिलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल उस वर्ड को डिफाइन करता है कि उसके अंदर साउंड कैसा है। जैसे इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, ये सिंगल वॉवल और ए ग्रुप ऑफ वॉवल विद वन लेटर इज नोन एज सिलेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, हम यहाँ पे इंग्लिश, अब यहां पर हम देखते हैं कि इसमें वॉवल्स कितना है। तो पहले कितना वॉवल्स है? वन। और यहां पे कितना है? दो। इंग्लिश। तो सिलेबल के माध्यम से हम साउंड को क्लियरली बता सकते। तो पहली बात तो यहां सब कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सब्जेक्ट है जिससे हमें सिखाता है हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन करेक्ट फॉर्म। फिर इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? द सेट ऑफ 26 लेटर इज नोन एज इंग्लिश अल्फाबेट। अगर कोई पूछे कि लेटर्स क्या है, तो आपको पता ही है लेटर्स वही जो 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स होते हैं, लेटर्स दो फॉर्म्स के होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर क्या है? द लेटर विच इज रिटन इन लार्ज फॉर्म इज नोन एज कैपिटल लेटर, एंड द लेटर विच इज रिटन इन स्मॉल फॉर्म इज नोन एज स्मॉल लेटर। स्पेलिंग आपको पता ही है, स्पेलिंग वो होता है जो वर्ड्स को हमको प्रॉपर वे बताता है। फिर आते हैं वॉवल्स। वॉवल्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो स्वयं को इंडिपेंडेंट होते हैं, पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू। डेफिनेशन क्या है? वॉवल्स आर द लेटर दैट कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली। फिर आते हैं सेमी वॉवल्स, ए डब्ल्यू एंड वाई दो होते हैं। डेफिनेशन क्या है? सेमी वॉवल्स आर दोस वॉवल्स दैट कैन बी साउंड विद द हेल्प ऑफ सम वॉवल्स और सेमी वॉवल्स ओनली। फिर हम कंसोनेंट कहते हैं, तो
कॉन्स्टेंट इंग्लिश होते हैं, कॉन्स्टेंट आर दैट कैन बी साउंड, आवाज तो आएंगे उसमें विद द हेल्प ऑफ किसके सहयोग से, वॉवल्स होगा या सेमी वॉवल्स होगा। फिर बात करते हैं हम सिलेबल की, ए सिंगल वॉवल और एक ग्रुप ऑफ वॉवल्स जो वर्ड्स में होते हैं हम उसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल के माध्यम से हम उस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। फिर आते हैं हम फ्रेज के, फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मीन्स फ्रेज वो है कुछ तो हमें सेंस बताता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बताते। एग्जाम्पल की बात कहा जाए अंदर द टेबल, अब टेबल के अंदर भी कुछ है लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए फ्रेज में जो भी है ग्रुप ऑफ वर्ड, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, कुछ सेंस आते हैं कुछ मीनिंग आते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आते हैं। फिर आते हम सेंटेंस की बात करते हैं, व्हाट इज अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ लेटर, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस, यहां पे हमें पूरे कंप्लीट सेंस मीनिंग आते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। मीन्स जो भी सेंटेंस है जो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है अगर उसमें कंप्लीट मीनिंग आया जाए तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के कई पार्ट हैं जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो यहां मैं चाहूंगा कि बेसिकली इसके डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल याद कर ले अभी, और आने वाला वीडियो में हम सेंटेंस स्पेशली सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। पहला क्या है, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टिव सेंटेंस, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है, एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हम कुछ एसर्ट करते हैं तो हम उसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात अगर पूछा जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है यहाँ पे, तो दैट मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन, बाद में सिंगल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर आप बात आता है यहाँ पे कि इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और भी चीजें, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फॉरबिडिंग है या कमांड है, इस तरह के चीजों, इस तरह के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड देंगे, फॉरबिडिंग मना करेंगे, इस तरह की सेंटेंस, जैसे ओपन द बुक मीन्स हम ऑर्डर दे रहे हैं कि यू हैव टू ओपन योर बुक्स, प्लीज हेल्प मी दैट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग, इस तरह के सेंटेंस। अब आते हैं एस्टिमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, तो एस्टिमेटरी सेंटेंस क्या है, जो भी चीज हम सडनली अपने हार्ट से कह देते हैं, जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जब भी हम अपना दुखी या खुश प्रकट करते हैं और एडवांस अपने हृदय से जो आवाज आता है उसको हम एस्टिमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कोई भी खूबसूरत चीज देखे डायरेक्ट एडवांस हमारे हृदय से जो आवाज आता है उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में, उस तरह के सेंटेंस को हम एस्टिमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कोई भी अगर फूल या पुष्प को देखते हैं और एडवांस हमारे मन से निकलता है तो उसको हम कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे क्या होता है, दिस डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम आवर ओन हार्ट, इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम डिजायर करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, चाहे वो इच्छा गुड हो या बैड हो, मीन्स डिजायर कह सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं
टीम से एड्रेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तरह कहेंगे मे योर ड्रीम कम ट्रू, मे द किंग लिव लॉन्ग। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे लेकिन इसको आप अपने सेंस में सिंपल वे से, बेस्ट वे से कितने अच्छे तरह से आप डेफिनेशन बना सकते हैं और कितने अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जानेंगे तो आगे का जो पोर्शन है वो आपको समझने और पढ़ने में काफी आसान होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको डेफिनेशन के साथ फिर इसको रिमाइंड कर दे रहे हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश, तो क्या बताना है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। कोई पूछे व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कोई पूछते व्हाट इज ग्रामर, तो कह सकते हैं ग्रामर एक सब्जेक्ट है दैट टीचेस अस हाउ टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश इन करेक्ट फॉर्म। व्हाट आर द लेटर, व्हाट इज द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ 26 लेटर्स यूज्ड टू राइट इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। फिर लेटर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स, वर्ड्स, वर्ड्स मींस ए ग्रुप ऑफ लेटर। यहां वर्ड्स क्या होंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स या सिंगल लेटर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर जो कंप्लीट सेंस दे उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड्स कहते हैं। स्पेलिंग आपको पता है, वॉवल मींस इंडिपेंडेंट होते हैं, पांच होते हैं। व्हाट आर द सेमी वॉवल, कंसोनेंट, सिलेबल। फिर आते हैं फ्रेज, सेंटेंस, उसके बाद एसेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टिव सेंटेंस। तो ये रहा आपके बेसिक्स इंट्रोडक्शन जो छोटे क्लास में उनके लिए आप पढ़े हैं, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो में हम आपको फिर पार्ट क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, जो ये सब चीजों का वहां पे बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।